कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा आज रविवार को लाल चौक पर पहुंची, जिसके बाद राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कई दल शामिल होंगे। समारोह के लिए 21 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ दल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को समाप्त होने वाली है। इस दिन कांग्रेस विपक्षी नेताओं को एक साथ मंच पर बुलाकर एकता का संदेश देना चाहती है। सूत्रों के अनुसार आज बताया गया है कि समान विचारधारा वाले 12 विपक्षी दल सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह के लिए 21 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ दल सुरक्षा कारणों से इसमें शामिल नहीं हो रहे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TDP उन पार्टियों में शामिल है जो इस समारोह में शामिल नहीं होगी। पहले आपको बता दें कि समारोह में कौन कौन शामिल हो रहा है। सबसे पहले नाम है MK स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तेजस्वी यादव की RJD, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, CPIM, CPI-VSK, केरल कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की PDP और शिब्बू सोरेन JMM श्रीनगर में समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं जो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे उनमें TMC है, समाजवादी पार्टी है और बसपा है और अन्य बाकी दल हैं। खबर है कि JDU ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, जो कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इन दलों ने ना आने के पीछे सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया है और कहा है कि चुनाव व्यवस्था के चलते उनकी पार्टी का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। जाहिर है कि कांग्रेस के समापन समारोह में केजरीवाल और KCR को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो वहीं ये भी देखा गया था कि जब ये यात्रा UP में थी तो सपा बसपा कोई भी इस यात्रा में शामिल नहीं हुई, जिससे कांग्रेस को यूपी में दिग्गजों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुई, तो कथित सुरक्षा उल्लंघन के कारण शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा रद्द किए जाने के बाद अवंतीपोरा के चेरसू गांव से फिर से शुरू हुई। कहा जा रहा था कि राहुल की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक घटना के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। जाहिर है कि सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह होने वाला है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है और इसी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।